Today we are going to study Abrotenum and all those important points which come under APGT. So let's start. Abrotenum, that common name is southernwood and composite family. Abrotenum makes from young shoot and leaves. Alternate constipation and diarrhea. It means constipation and diarrhea alternate में रहेगा. Linteria means undigested food particles. Marasmus of children with marred emaciation. So जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे children में marred emaciation देखने को मिलेगा, especially of legs. Iodum, sanicula, tuberculinum. तो चलिए अब देखते हैं कि iodum में इमेसिएशन किस तरीके का देखने को मिलता है. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं आयोडम में दिया गया है अ लो कैचेक्टिक कंडीशन विथ प्रोफाउंड डिबिलिटी एंड ग्रेट इमेसिएशन एब्रोटेनम. सो हेयर वी आर लेट्स सैनिकुला इमेसिएशन प्रोग्रेसिव. चाइल्ड लुक्स old, dirty and greasy and brownish. Skin about neck wrinkled, hangs in folds. Abrotenum, iodum, nutrimune, sarsaparilla. And here tuberculinum. So here we are in tuberculinum. Emaciation rapid and pronounced. The skin is flabby and hangs loose in folds. यानी कि skin इतनी flabby होती है, hangs loose in folds होते हैं. ये abrotenum में general skin का symptom है कि skin is flabby and hangs loose in fold. लेकिन यहाँ पर natrum में और sinicula में बताया गया है कि neck region, especially neck region की जो skin रहेगी वो flabby and hang loose होगी. इन मरास्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप एथुजा. सो यहाँ पे बताया गया है कि बिकॉज ऑफ मरास्मस हेड वीक एंड कैन नॉट होल्ड इट अप है. चलिए एथुजा में देखते हैं क्या सिम्टम है. सो हेयर वी आर इन एथुजा. ग्रेट वीकनेस. चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड. Unable to hold up the head, abrotenum. तो यहाँ पे एथुजा में ये बात कही गई है कि child can not hold up the head. सो यहाँ पे cause अलग है. Cause क्या है कि यहाँ पे children during dentition in hot summer weather, children who cannot bear milk. सो curdled milk की vomiting हो जाने की वजह से children में इतना ज़्यादा prostration weakness होता है, उसके कारण यहाँ पे चाइल्ड कैन नॉट होल्ड अप द हेड है. और एब्रोटेनम में है कि मरास्मस के की वजह से यहाँ पे चाइल्ड कैन नॉट होल्ड अप द हेड है. सो चलिए आगे चलते हैं. मरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर दिया गया है कि मरास्मस लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बेसिकली बताया गया है. लो रैमनस हंगर, लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल. मतलब यहाँ पे राक्षसी भूख है, लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल. बहुत ज़्यादा अधिक खाता है बट इंस्टेंट लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल. यही सिम्टम यहाँ पे आयोडम, नेट्रोम्यूर, सैनिकुला, ट्यूबरक्लोइनम इनमें भी दिया गया है. पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प और फॉलोइंग कोलिक. सो ये सिम्टम इस वजह से है बिकॉज ऑफ लिंटेरिया, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बैड एसिमिलेशन. रोमेटिज्म एब्रोटेनम बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर रोमेटिज्म, फॉर गाउट, ईचिंग चिल्ड्रन, मरास्मस. सो यहाँ पे देखते हैं कि एब्रोटेनम में किस तरीके का रोमेटिज्म है. फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस. मीन्स स्वेलिंग आने से पहले इसमें बहुत एक्सेस में पेन होता है. रूमेटिज्म फ्रॉम सडन चेक डायरिया और अदर सीक्रीशंस. मीन्स
सडन चेक डायरिया के कारण या अदर सिक्रीशन के सप्रेस्ड होने हो जाने की वजह से रूमेटिज़म देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री में कभी डायरिया के चेक होने का या अदर सिक्रीशन के चेक होने का सप्रेस्ड होने का हिस्ट्री देखने को मिलता है। रूमेटिज़म अल्टरनेट्स विद हेमरॉयड विद डिसेंट्री। यहाँ पे रूमेटिज़म अल्टरनेट होता है हेमरॉयड के साथ में एंड डिसेंट्री के साथ में। गाउट, जॉइंट स्टिफ स्वेलन विथ प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इनफ्लेम्ड, वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, ईचिंग चिल्ब्लेन एगेरिकस। सो यहाँ पे बताया गया ईचिंग चिल्ब्लेन और एगेरिकस में सिम्टम दिया गया है कि ईचिंग चिल्ब्लेन के साथ में वहाँ पे बर्निंग एंड ईचिंग बोथ आर गिवन एंड स्पेशली योर फेस रीजन, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड। चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट, इल ह्यूमर, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। मीन्स चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस, डिस्पोंडेंट, वायलेंट रहेगा, इन ह्यूमर रहेगा, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। चाइल्ड कुछ गलत करना चाहता है, कुछ क्रूएल करना चाहता है, कुछ क्रूएल कर देता है। इस तरीके का मॉर्बिड सिम्टम चाइल्ड का एब्रोटेनम में देखने को मिलता है। फेस ओल्ड, पेल, व्रिंकल्ड, यही सिम्टम आपका ओपियम में है। ओपियम का फेस भी ओल्ड, पेल, व्रिंकल्ड है। रिलेशनशिप देखते हैं, आफ्टर हेपर इन फर्ड अंकल, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरेसी, व्हेन द प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रेस्पायरेशन। सो जैसे कि हमने देखा कि एब्रोटेनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फॉर अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिंटेरिया, मरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, रोमेटिज्म एंड रेवनस हंगर, जहाँ पे लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल देखने को मिलता है एंड जनरलाइज्ड स्किन उसकी जो है स्किन इसमें फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स में है, गाउट, ईचिंग चिल्ब्लेन एंड जहाँ पे इल नेचर, इल ह्यूमर चिल्ड्रन देखने को मिलता है। इस तरीके के सिम्टम आपको इस तरीके का मॉर्बिड सिम्टम एब्रोटेनम में देखने को मिलता है। So it's all about abrotenum.